friends, this is Saurabh Jain from Vardhman Career Place. Welcome to the YouTube channel of Vardhman Career Place. तो आज हम analysis करने जा रहे हैं NTA UGC NET. आपको पता ही है कि जो across India जो NTA UGC NET का exam देने जा रहे हैं students, उनके exam आज से start हो चुके हैं. 2nd of December to 6th of December across India ये exam conduct होगा जो NTA conduct कर रहा है. तो उसका जो first shift का आज एग्जाम हो चुका है 9:30 to 12:30, तो उसका हम एनालिसिस करते हैं पेपर वन का. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इफ यू वांट टू क्लियर द JRF. अब देखो स्टूडेंट्स, NTA UGC NET जो इस बार पेपर वन हुआ है उसमें ओवरऑल 50 क्वेश्चंस जो हमारे पैटर्न में रहते हैं उसमें रीजनिंग के हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग अगर हम इन दोनों को इंक्लूड कर दें तो हमारे पास 10 क्वेश्चन रहते हैं. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो अपकमिंग एग्जाम देंगे और अपीयर होंगे उनको इनका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि कहाँ से एग्जाम सेटअप हो रहा है, कौन से पैटर्न पे एग्जाम सेटअप हो रहा है. तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखो. तो मैं इसमें मैंने खुद अलग अलग सेंटर्स में जाके और स्टूडेंट्स में कॉल करके उनको उनसे रिव्यूज़ लिए हैं. तो रिव्यूज़ के बाद ये एनालिसिस हमने किया है कि रीजनिंग में जो 10 क्वेश्चंस हुए हैं उनमें से जो क्वेश्चंस हमें मिले हैं कि नंबर सीरीज पर लास्ट टाइम क्वेश्चन नहीं सेटअप हुआ था, इस बार नंबर सीरीज पर बहुत ईजी क्वेश्चन सेटअप हुआ है. सिंपल डिफरेंस पे क्वेश्चन था, लाइक 5 का डिफरेंस, 10 का, फिर 20 का डिफरेंस, ऐसे क्वेश्चंस सेटअप हुआ है नंबर सीरीज का. तो उसको हम इजी लेवल में रखेंगे. बहुत इजी क्वेश्चन था नंबर सीरीज का जो बहुत इजीली क्लिक हो सकता था, वो सम का डिफरेंस था. कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन सेटअप हुआ है. सिलॉग्स, यस, सिलॉग्स में हर बार दो से तीन क्वेश्चन रहते हैं, इस बार भी 3 क्वेश्चन आए हैं सिलॉजिज्म पे जिसमें इंडक्टिव डिडक्टिव थ्रेटिकल पे क्वेश्चन पूछा गया है. सिलोजिज्म में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंक्लूजन या स्केयर ऑफ ऑपोजिशन में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया, बट इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के सिलॉग के पार्ट में थ्रेटिकल क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं और एक मेजर और माइनर टर्म पे क्वेश्चन आया है. सिलॉग्स में मेजर, माइनर और मिडल टर्म होती है, उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया. तो ओवरऑल सिलॉग्स पे 3 क्वेश्चन इस वे से पूछे गए. सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था जो इजी लेवल का था. रेशियो का क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का था, सिंपल डिफरेंस, दो पार्ट की रेशियो दी हुई थी और उनका डिफरेंस दिया होता तो हम रेशियो का डिफरेंस निकाल के उसको इक्वल कर सकते थे और पार्ट निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे. इंडियन लॉजिक पे एक क्वेश्चन आया था, सोर्स ऑफ नॉलेज लाइक उपमान एंड प्रमाण. तो प्रमाणा और उपमाना पे क्वेश्चन था, तो बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन था. लाइक रिजेम्बलेंस पे आई थिंक ये क्वेश्चन था. नंबर सिस्टम पे एक क्वेश्चन था, कंजेक्टिव नंबर कुछ ऐसा करके था. और एक मिसलेनियस स्टेटमेंट अजम्पशंस पे क्वेश्चन, आई थिंक स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि ये मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने बताया कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे गए हैं जिनको हमने उन्होंने लेवल बताया कि ऑलमोस्ट रीजनिंग का जो लेवल था बहुत ईजी लेवल था. नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगा, तो जिसको हमने एम मीन्स मॉडरेट, ई मीन्स ईजी, M means moderate level और H means high level. तो M means ये दो questions moderate level के रहे थे. तो अभी reasoning में अगर हम देखें तो 10 questions में 8 questions sure shot बहुत ही easy लगे students को. अब हम आते हैं theoretical part में. English में passages 5 questions setup हुए हैं, तो moderate to high level का जो passage था students को लगा moderate to high level का रखेंगे. DI मुझे 70 to 80% स्टूडेंट्स ने बताया कि DI बहुत ईजी लेवल की थी जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन परसेंटेज और रेशो के पूछे गए थे. सिंपल जो फर्स्ट शिफ्ट की DI आई थी उसमें कुछ कंप्यूटर रिलेटेड कुछ चार्ट था, कंप्यूटर सब्जेक्ट्स रिलेटेड, तो उसमें सिंपल परसेंटेज निकालनी थी और सिंपल रेशो निकालनी थी अलग अलग. तो बहुत ईजी लेवल का DI का रहा था. और टीचिंग एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन की आई थिंक वेटेज ज़्यादा थी स्टूडेंट्स को, क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स ने बताया कि क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूसली नहीं थे, अलग अलग क्वेश्चंस थे, जैसे एक टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, फिर कंप्यूटर का क्वेश्चन, ऐसे. तो उनको लगा कि शायद क्योंकि स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये जब बाहर आते हैं एग्जाम के तो कुछ स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता प्रॉपरली कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो वो एक एजुकेटेड एक तरह का गैस होता है कि नॉर्मली. तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स से पूछ के हमें पता लगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड की थोड़ी सी वेटेज ज़्यादा थी, वेल लेकिन ऑलमोस्ट इक्वलाइजेशन थी सभी क्वेश्चंस की. अगर सपोज करो एक दो ऐसे पार्ट थे जहाँ से क्वेश्चन
फाइव टू सिक्स आए थे और किसी पार्ट में से फोर टू फाइव. लाइक स्टूडेंट्स ने बताया कि इस बार हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट में से एक या दो क्वेश्चन कम लग रहे थे उनको, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में फाइव टू सिक्स क्वेश्चन और हायर एजुकेशन में फोर टू फाइव क्वेश्चन रहे थे. और कंप्यूटर रिसर्च और कम्युनिकेशन में यहाँ पे पाँच पाँच क्वेश्चन मिल रहे हैं. लेकिन एनवायरमेंट में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को लगा कि इन डेप्थ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, तो उसमें मॉडरेट टू हाई लेवल के ज़्यादा क्वेश्चन थे. और रिसर्च में भी थोड़े से इजी टू मॉडरेट लेवल के थे और कम्युनिकेशन में भी इजी टू मॉडरेट लेवल के थे. और कंप्यूटर में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए, तो इजी क्वेश्चंस में कंप्यूटर में लाइक हायरार्की, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हायरार्की टाइप. और ओवरऑल अगर हम एग्जाम को देखें, ज़्यादातर हमारे एग्जाम में इंग्लिश और अगर हम EVS को छोड़ दें, ये दो मॉडरेट टू हाई लेवल में थे. और बाकी सारा एग्जाम अगर हम एनालिसिस करें तो उसमें हमारा सारा एग्जाम इजी पैटर्न पे था या इजी टू मॉडरेट लेवल के पैटर्न में था. तो नॉर्मल अगर हम गैस लगाएं तो 35 टू 40 अगर स्टूडेंट्स बहुत इजीली ये स्कोर कर सकते हैं, 35 टू 40. तो अगर 40 प्लस स्टूडेंट्स जा रहा है तो इसमें कोई भी, आई एम नॉट अमेज्ड कि कोई भी पर्सन अगर 40 प्लस कर रहा है तो उसका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा. अगर 35 एवरेज मार्क्स हैं, 35 क्वेश्चंस मींस 70 मार्क्स, तो अच्छा स्कोर होगा. अगर 40-80 मार्क्स आते हैं तो वो भी अच्छा स्कोर रहेगा. अदरवाइज 70 एवरेज स्कोर रहता है पेपर वन में, तो जिस अकॉर्डिंग ये एग्जाम आया था. क्योंकि अगर पूरे एग्जाम को हम अगर एनालिसिस करते हैं तो इसका इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है. तो जो अपकमिंग द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन अपकमिंग शिफ्ट्स, आई सजेस्ट देम कि इन पैटर्न पे बेसिस पे आप थोड़ा सा ध्यान देके इनको रिवाइज कीजिए. क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने एनालिसिस किया था सभी शिफ्ट्स का, हमने देखा था कि जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे उसी के बेसिस पे सभी शिफ्ट्स के क्वेश्चंस बने थे. तो इसी बेसिस पे आपको हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस बने, क्योंकि पैटर्न सेम रहा है. डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, लॉजिकल सिक्वेंसेस, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन सेटअप नहीं हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में. मैं ये नहीं कह रहा कि नेक्स्ट शिफ्ट में इनमें से क्वेश्चन नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस इन सेक्शन में से क्वेश्चन बनने के रहेंगे. तो आप इनको ध्यान से देखिए. और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच. अगर आपने हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वर्धमान करियर प्लेस के चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. हम नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस बहुत जल्द करेंगे, जैसे ही 5:30 की शिफ्ट खत्म होएगी तो हम उसका एनालिसिस आपके सामने लेके आएंगे. इसलिए जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं नेक्स्ट शिफ्ट के लिए, उनको उसका बेनिफिट हो सके. थैंक यू वेरी मच.